हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो गाइस आज अब दोबारा से खेलने जा रहे हैं सीएस रैंक मैच, और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। मज़ेदार इसलिए होने वाली है गाइस, मैं आज हूँ काफ़ी खुश क्योंकि गाइस हमारा आ चुका है रेड नंबर वापस, एंड हमारा फ्री फायर भी अनबैन होने वाला है गाइस 5 सितंबर को। गाइस जल्दी से जाके प्ले स्टोर पर रजिस्टर करो फ्री फायर को, फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो गाइस सभी बंदे जल्दी से जाकर ये वीडियो को देखने के बाद सभी बंदे जाकर रजिस्टर जरूर करें, और आज ऐसे ही फ्री फायर आएगा आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा फ्री फायर इंडिया, और आप मज़े लो अपने ओल्ड डेज एंड ओल्ड मेमोरीज के। गाइज ये है गाइज हमारा रेड नंबर भी आ चुका है, अभी आपने देखा ही होगा मैंने एक बंदे का यूएसपी का हेडशॉट मारा, रेड नंबर आया होगा। एंड गाइज आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। तो गाइज आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर बताऊँगा। तो गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मेरे को तो मार दिया था यहाँ पर ना, तो गाइज वहाँ से मैंने वीडियो को कट कर दिया था, हम राउंड हार चुके थे। यहाँ पर एक राउंड उस सामने साइड से एक बंदा आया, काफ़ी टाइम से लगा मैंने बंदे को डाउन कर, बट लेकिन मेरे फ्रेंड ने किल चुरा लिया है। और गाइज मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर नेट डाला और एक और नेट में, इसकी नेट में एक बंदा डाउन हुआ है, तो इसने ना यहाँ पर मेरे को ना रिवाइव कर दिया। जल्दी से यहाँ पहले नेट लगा लेता हूँ, एक सामने साइड देखो भैया लोकेशन आ रही है। तो गाइज मैंने यहाँ पर नेट काफ़ी जल्दी डाल दिया, तो काफ़ी बंदे को दो बंदे को डैमेज लगा, बट लेकिन पीछे से यहाँ पर फ्रेंड मेरा जाके मार रहा है, और उनका गाइज एक ही बंदा बचा हुआ था और वे भी गाइज क्लियर हो चुका है, और हमारे हो चुके थे यहाँ पर एक राउंड, और उनका भी हो चुका था गाइज एक राउंड, बट लेकिन कोई नहीं गाइज अब हम उनको ना एक भी राउंड जीतने नहीं देंगे। अब की बार मैं यहाँ पर खरीदना चाहूँगा एक एंड ग्लोअल वगैरह तो नहीं खरीद सकता, तो मैंने यहाँ पर हेलमेट परचेस कर लिया लेवल 2 का, एंड वैसे ग्लोअल तो खरीद नहीं पाता गाइज 300 कॉइन का तो ग्लोअल कर रहा था गाइज, नेट 200 का था पहले अगर आपको याद हो गाइज, अब की बार नेट भी 300 कॉइन का कर दिया, बट लेकिन गाइज 200 कॉइन में पहले नेट था, बट लेकिन अभी तक मैं नेट नहीं खरीद पाया, तो मैंने यहाँ पर खरीद लिया था अपना हेलमेट। और गाइज अब हमने नेक्स्ट राउंड की तरफ अब निकल चुके थे, तो गाइज सामने की साइड से एक बंदे मेरे को अभी दिखा, देखो राइट साइड की गया अभी, तो किस बंदा निकल के फायर करने लग रहा, बट लेकिन गाइज सामने की साइड में निकलेगा या नहीं, कब निकलेगा यार। गाइज यहाँ पर ड्रॉप चार्ज कर लिया है मेरे फ्रेंड ने, यहाँ पर एक बार ही ड्रॉप चार्ज होया है, तो मेरे को 3 ड्रॉप चार्ज यूज़ करूँगा तो मेरे को एक लेवल 4 की वेस्ट पक्का मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो किस लेफ्ट साइड में गया बंदा भाग के अभी, तो इस बंदे ने यहाँ पर लेफ्ट में नेट डाल दिया है, तो मेरे को डैमेज तो नहीं लग रहा। देखो सामने साइड से बंदा आया, और ये गाइज ओपी वाला यार हेडशॉट दिया इसको एकदम रेड नंबर। अरे भाई हाँ मैं लेफ्ट की साइड कूद रहा था भाई, बच गया यार, नीचे जाता तो सीधा 11 HP में सीधा डाउन हो जाता यार, मैं तो बच गया गाइज, क्या ही किस्मत है यार रेड नंबर आने के, भाई ओपी बोलते गाइज इसको हेडशॉट मार के। वैसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर ही दिया है, तो देखो सामने साइड से बंदा आया। गाइज मैं यहाँ पर लेफ्ट में ना कवर ले लेता हूँ, गाइज मैं आपको ना 3 पैसे एक एक्टिव स्किल बताऊँगा, ठीक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइज देखो मेरा सामने की साइड है वे बंदा, तो गाइज दिख जा भाई, अरे गाइज मैं आगे की साइड आ चुका था, देखो सामने साइड से आपको मौको जरूर दिख रहा होगा। गाइज इसको डैमेज तो लगा, अरे डैमेज लगा गाइज, चलिए मैंने यहाँ पर इसको डाउन कर दिया, मेरे पास डबल डैमेज किया उसको, मैंने यहाँ पर क्लियर करा। सामने साइड से इस बंदे ने यहाँ पर डिमेटर यूज़ कर लिया है, बट लेकिन गाइज यहाँ पर ये वाला किल मेरा भी नहीं आ पाया। अरे इसमें शॉटगन है गाइज, अरे नीचे चले गए, बट चलिए गाइज अब बता देते हैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइज फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, वे है गाइज पैसिव स्किल है, वे है गाइज है कैली, कैली की क्या है गाइज, आप कैली से गाइज आपकी काफ़ी स्पीड मूवमेंट स्पीड हो जाती है, आप काफ़ी तेज़ भाग पाते हो, ये होता है गाइज कैली का फ़ायदा। जो सेकेंड पैसिव स्किल है गाइज वे है मैक्सिम करेक्टर, मैक्सिम करेक्टर का तो आपको फ़ायदा पता ही होगा गाइज, जिससे क्या कहते हैं मेडिकिट गाइज काफ़ी स्पीड में होती है गाइज, अगर आप मैक्सिम करेक्टर लेके नहीं खेलोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर आप मैक्सिम करेक्टर लेके खेलोगे तो उसको तो भाई काफ़ी जल्दी ही मार सकते हो, तुम रिवाइव भी मैडी भी कर सकते हो गाइस जल्दी बंदे को डाउन करके। जो थर्ड पैसिव स्किल है गाइस वे है हमारी बेस्ट करेक्टर इन फ्री फायर पैसिव स्किल सीएस रैंक पुश करने के लिए, वे है गाइस हमारी मोको। मोको का तो गाइस काफ़ी तगड़ा काम है गाइस, ये मतलब बंदे को छुपने भी नहीं देती गाइस, ऐसा एरो ला देगी उसके ऊपर भाई छुपने ही नहीं देगी इसको। जो और फोर्थ पैस एक्टिव स्किल है गाइस वे है मेरे पास स्टेप, स्टेप का क्या फ़ायदा, जैसे कि सामने मेरी टीम सामने वाली टीम में एक नेडर आया है, तो गाइस नेडर पता है अगर आप पे नेट डालेगा एकदम से आप स्टेप यूज़ कर दो, और आप स्टेप यूज़ करोगे ना जैसे कि उसका नेट आएगा ना उसका नेट मतलब ख़राब हो जाएगा, ठीक है ये फ़ायदा है गाइस इस स्टेप का। तो गाइस उसका नेट ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, मतलब आपको डैमेज नहीं लगेगा,
ये होता है गाइस टैपी का करेक्टर का फ़ायदा। तो जैसे देखो मैंने अभी इसमें नेट डाला तो गाइस देखो मेरे को लग रहा है राइट से आ रहा है, देखो राइट से आ रहा है, ये सोच रहा है पीछे से जाके मारूं, बट लेकिन मेरे को मौको से दिख रहा है इसको, इसको ये नहीं पता गाइस मैंने मौको लगाया और ये एरो, इस एरो का निशान इस पर आ रहा था और मैंने यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया है। और अब यहाँ पर गाइस देखो मेडिकेट लगाऊंगा, तो मेडिकेट भी देखना काफ़ी स्पीड से लगाऊंगा मैं, देखना ठीक है। तो कि देखो जैसे कि मैं मेडी यूज़ कर रहा हूँ गाइस, मेरी मेडी भी हो चुकी थी, ऊपर की साइड में आ चुका था, सामने साइड बंदा आया हमारा भूया हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।